उज्जैन जिले के अंदर उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह और जिला पंचायत के सीईओ अंकित अस्थाना ने एक प्लान कंप्लीट किया हुआ है, जिसके तहत आप उज्जैन जिले में महिला बाल विकास के अधिकारी, कर्मचारी और गांव के सरपंच, सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूरे उज्जैन जिले में सर्वे कर रहे हैं और घर घर जाकर के रिपोर्ट कंप्लीट कर रहे हैं। हर परिवार की प्रत्येक परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित है, ताकि इस सब की सूची कंप्लीट कर उपचार व्यवस्था जो जहां पर रह रहा है उसे वहीं पर की जा सके और गंभीर बीमारी से परेशान जो मरीज निकल कर आते हैं उनका उपचार सही समय पर जिला मुख्यालय पर किया जा सके और गंभीर महामारी कोरोना वायरस सहित अन्य बीमारियों पर काबू पाया जा सके, उसी को लेकर पूरे उज्जैन जिले में सूची कंप्लीट की जा रही है और घर घर जाकर रिपोर्ट कंप्लीट की जा रही है और लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी बीमारी है बताइए, ताकि उसका उपचार सही समय पर हो सके। जिला पंचायत सीईओ और माननीय जिलाधीश के निर्देश के बाद आप लोग सर्वे कर रहे हैं, किस प्रकार से जानकारी जुटाई जा रही है और किस प्रकार से काम किया जा रहा है? हम हर घर 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 जाके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सहायिका सब मिल के सर्वे कर रहे हैं, हर घर का सर्वे कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, कोई सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है, हो तो डरना मत ऐसा समझा रहे हैं और उनको दवाई गोली इलाज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घबराने से कुछ भी नहीं होगा और अगर यदि एक घर में किसी को सर्दी खांसी हुई तो पूरा परिवार बीमार होगा और हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इसलिए सावधानी रखो, मास्क लगाओ, दो गज की दूरी रखो और ब्याह शादी मौसम में मत जाओ, ये समझाइश दे रहे हैं। भाई साहब, किस प्रकार से गंभीर महामारी को रोका जा सकता है? शासन प्रशासन सरकार भी लगी हुई है, आप किस प्रकार से आप लोग आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों को अवगत करवा रहे हैं और किस प्रकार से क्या हो रहा है? सर, गांव में पूरे गांव में सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सब घर घर जाकर सबको समझाइश दे रहे हैं। मतलब ये कि मतलब कोई भी मतलब बुखार है, सर्दी जुकाम है, ऐसी कभी कोई नहीं तबीयत खराब हो तो मतलब सूचना कर रहे हो ताकि रोक आ सकता है, छोटी मोटी बीमारी वगैरह है कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं सर, हमने पंचायत में 10 बेड लगाए। ठीक ठीक। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।